आगामी 12 मई को खजनी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी के विजेंद्र पांडेन की अध्यक्षता में कार्यशाला आयोजित हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने शुक्रवार को पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में सीआरपीएफ, पीएसी और पुलिस के जवानों को सकुशल सुरक्षित मतदान कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि संत कबीर नगर क्षेत्र में के खजनी आगामी 12 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में सकुशल संपन्न कराने के लिए पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों की ट्रेनिंग हुई। इस दौरान चुनावी कार्यशाला में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एसपी नॉर्थ विपुल कुमार श्रीवास्तव, एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे सहित अन्य अधिकारी, सीआरपीएफ, पीएसी और पुलिस के जवान मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी के विजेंद्र पांडेन ने कहा, तक आते हैं आपने वही गाड़ी इस्तेमाल करनी है, खासतौर से जो सिविल नफरी है जो ईवीएम के साथ ड्यूटी कर रही है, ईवीएम बॉक्स रखा, आपने कहा टाटा बाय बाय, आप जमा करो जाके हम निकलते हैं घर, नहीं, जब तक के वो जम के साथ जो मजिस्ट्रेट्स लगे हैं, जो प्रिसाइडिंग अफसर लगे हैं, जो स्टाफ लगा है वो भी, और आपकी ड्यूटी है ईवीएम की सुरक्षा। ऐसा नहीं कि वो चार आदमी मिल करके आपको बोले अब हम जमा कर देंगे जनाब, आप पोलिंग स्टेशन से आप अपने घर जाओ, हम जा रहे हैं विश्वविद्यालय, हम इसको जमा कर देंगे, और रास्ते में उन्होंने ईवीएम ही चेंज कर दी, इसका कुछ कर दिया, जिम्मेदारी आपकी भी है। मोटरसाइकिल नहीं आने देनी, कोई व्हीकल नहीं आने देना है, ये जनरल सी गाइडलाइन है। मतदान केंद्र के अंदर जैसा मैंने आपको बताया, कमरे के अंदर लाना ले जाना ये, और वो 6 के 6 थाना क्षेत्र एकदम नॉर्मल किस्म के हैं, ना वहाँ कोई लूट डकैती मर्डर ना बलात्कार। 3 CO गवर्न करते हैं, 3 CO साहिबान मेरे पीछे बैठे हुए हैं और इनकी मदद के लिए 6 और CO आ रहे हैं, यानी कुल जमा 9 और 12 थानेदार, तो तकरीबन 20-22 के आसपास तो हमारे गस्टेड अफसर हो गए, 288 मतदान के गस्टेड अफसर इंस्पेक्टर साहिबान आए उनको हटा करके, 28 सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस अफसर हैं पास। पूरा आज का भी दिन रहेगा, अभी 15-20 मिनट में हम आपको छोड़ देंगे, डीएम साहब रास्ते में है, कोई दंगा नहीं, कोई एफआईआर नहीं। तीसरी बात मैंने बताई, इन 288 में से केवल 4 ही क्रिटिकल घोषित किए हैं चुनाव आयोग ने, जैसे जानते हैं 6th phase के इलेक्शन है, वही तो डीएम जो संत कबीर नगर से मैं टाइप कर रहा था उनको वहाँ भी व्यवस्था हो रहा है। संत कबीर नगर 2 जनपद का जो कोऑर्डिनेशन करके करना है, एक विधानसभा क्षेत्र है हमारा खजनी, 436 बूथें उस पर है, वहाँ संत कबीर नगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, उसी का हम कल सवेरे जो पार्टी रवाना ही करेंगे, और कौन कौन जो व्यक्ति कौन सी बूथ में जाएंगे वो सवेरे ही तय हो पाएगा हमारा जो सुरक्षा है। बट आपसे निवेदन करता हूँ मच्छरदानी आप स्वयं ले लें, ताकि अभी आगे भी आपका कई काम करना पड़ता है, और जनपद से गोरखपुर बहुत फर्क है, इसमें मच्छर बहुत है, का बीमारी भी फैल सकता है, इसमें मलेरिया फिलेरिया इत्यादि का, इसलिए तो आपने इंतजाम करें, हम भी तो उसको थैला में ही तो सारे इंतजाम कर रखा है, उसके अलावा जो आपका थैला में जो होटल एटल में रख दिया है बिहार का पटना के पास, वो तो बड़ा इश्यू बन गया है, तो फिर उसके बाद फिर कोई फोटो खींच लिया है भेज दिया है। इस बार तो कमीशन ने स्ट्रिक्ट निर्देश दे रखा है, तो सारे सेक्टर मच्छर की गाड़ी में भी GPS लगी हुई है, जो हम लोग यहाँ ईवीएम मशीन लेके जाते हैं आते उसी गाड़ी में भी GPS ट्रैकिंग है, यानी कमीशन का कहना है ईवीएम मशीन ऑफिशियल सामग्री है, किसी भी सूरत पे किसी भी प्राइवेट जगह नहीं रख सकते हैं, यदि बूथ पे रह सकता है, नहीं तो SDM का कब्जा में रख सकता है, नहीं तो सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट आपके ऑफिशियल जगह जो भी है वहाँ रख सकता है, ये इंतजाम है, इसलिए ईवीएम वीवीपैट मशीन का तो ध्यान देना है, कहीं भूल वजह और किसी के वजह कहीं प्राइवेट जगह कोई तो पीटासीन मतदान अधिकारी कोई भी ऐसा प्रयास करा तो आप आगे निकालो तो हम तो होके आते हैं किसी घर पे, नहीं तो ऐसे करते हैं, ये किसी का मतलब कोई गुंजाइश नहीं बचता है, उसके बाद फिर बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई होता है उसके, ताकि ईवीएम मशीन का तो अफवाहें बहुत है, जानते हैं तो कहते हैं तो किसी बटन दबा दिया किसी पे चला गया, इसलिए तो नया दिवस एक वीवीपैट मशीन है, इस बार तो पूरे भारत में इलेक्शन में उन लोग शामिल कर दिए, तो मशीन में किसको दबाते हैं सामने एक पर्ची निकल आता है उसके बाद अंदर गिर जाता है, हम लोग हर विधानसभा का 5 जगह गिनते भी हैं सामने, ताकि उनका जो भ्रम दूर करने के लिए, ताकि ऐसा कुछ अफवाह नहीं है, ऐसा कुछ उसका कोई मतलब नहीं है, बट गर्मी की वजह वो मशीन भी कभी कभी खराब हो जाता है, ये वीवीपैट मशीन है पहले बार इस्तेमाल हो रहा पूरा भारत में, ये टीपी रोल का है, थर्मल प्रिंटिंग का है, यानी गर्मी को जो प्रिंट करता है उसको, कभी कभी गर्मी तेज होने की वजह थोड़ा खिलक जाता है कहीं फंस जाता है, उसको घबरने के बाद नहीं, हर सेक्टर में सेट के पास 2-2 सेट हम लोग दे रखा है, वो भ्रमण में रहते हैं,
उसके अलावा हमारे जोनल मजिस्ट्रेट के पास भी सेट उपलब्ध है। फिर सेक्टर में यानी जो हमारे एसडीएम के पास पर्याप्त मात्रा में हम लोग 15-20 मशीन दे रखा है। हम लोग ऐसे भी प्लान कर रखा है 15-20 मिनट का अंदर जो मशीन रिप्लेस हो जाता है उसका। आपका जो सिक्योरिटी पॉइंट अभी मैं दूसरे पॉइंट एक तो बताया ईवीएम और वीवीपैट कहीं किसी जगह नहीं जाना है, ये आपका सुनिश्चित करना है। आपके साथ पोलिंग पार्टी जो बैठ गए हैं जो भी ऑफिसर आए हैं ईवीएम मशीन और वीवीपैट में आपका नजर होना जरूरी है। आज बसंत कवि नगर का जो चुनाव है उसको तो खासतौर पर हजनी है, हम लोग को 12 तारीख के चुनाव उसको सीपीएमएफ और पैरामिलिट्री फोर्स का ब्रीफिंग था। उसी पे खासतौर पर इन लोगों का डिप्लॉयमेंट के बारे में और क्या क्या करना है, क्या क्या इन लोगों का कर्तव्य है, पूरा कप्तान साहब हम लोग ब्रीफ किए थे। और इन लोग कल से सवेरे से हम लोग का पार्टी रवाना हो जाएगा, तो परसों चुनाव है उसी की तैयारी पर आए हैं, उसका कार्यशाला का ब्रीफिंग। जितने भी विकलांग हैं उन लोग आराम से अपने व्हीकल से बूथ के गेट तक आ सकते हैं, उसके बाद अंदर तक उनका कोई भी सहयोगी ले जा करके वो जो वोटिंग कंपार्टमेंट तक ले जा सकते हैं, पूरा सुविधा है। हम लोग पहले ही ब्रीफ कर रखा है इसको, तो खासतौर पर दिव्यांगजन यहाँ तो इसी जनपद में करीब 30,000 लोग हैं, उन लोग आइडेंटिफाइड भी है बूथ का पिटासीन अधिकारी मतदान अधिकारी का। पहले हम लोग कह रखा है कौन कौन दिव्यांग है, कौन कौन वोट देने के आए हैं। हम लोग यथासंभव कोशिश कर रहे हैं हर बूथ में 2 वॉलंटियर रहेंगे, व्हीलचेयर भी रहेगा। उसके अलावा अपने साधन से कोई भी व्यक्ति आने चाहते हैं, खासतौर पर दिव्यांगजन आने चाहते हैं, स्वागत है, आराम से आ। पानी तो ज़रूर मिलेगा आपको, पानी और छाया का भी व्यवस्था ज़रूर मिलेगा। उसके अलावा हम लोग जो गोरखपुर शहर का खासतौर पर 425 बूथ है हमारा, सबका मॉडल बूथ आदर्श बूथ के रूप से हम लोग सजा रहे हैं। उस पर क्या खासतौर पर जो पेयजल है वो बॉटल पानी नहीं तो अच्छा वो जो आर ओ पानी हम दे रहे हैं, और आने वाले जो अभिभावक कोई 7 बच्चे अच्छे आते हैं उनको टॉफ़ी देते हैं, और उसके अलावा स्वागत करने के लिए तो हमारा टीम रहेगा, स्वागत करके ले चलेंगे। उन लोगों को बैठने के लिए व्यवस्था है, लाइन में लगाने की ज़रूरत नहीं, उन लोगों को कुर्सी लगा करके हम लोग पंखा और कूलर के जरिए से तो हम लोग उनका वो भी इंतज़ाम कर रहे हैं, तो ताकि तो उन लोग आराम होकर के तो वोट दे सकते हैं। उसके बाद एक सेल्फी पॉइंट भी बना रहे हैं हम लोग, तो इस बार एक तरफ वोटिंग का जो इवेंट है उसको यादगार कराने के लिए कितने प्रयास कर सकते हैं उतने प्रयास कर रहे हैं।